नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो कि आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीसी आयोग की तरफ से और पटना हाईकोर्ट की तरफ से बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरें और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जो आज के डेट में न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ एक हम आपको गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं और एक बेड न्यूज़ भी देने वाले हैं। गुड न्यूज़ क्या है, बेड न्यूज़ क्या है, सारी जानकारी बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में टॉपिक वाइज हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं, जो गुड न्यूज़ क्या है, बेड न्यूज़ क्या है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बेड न्यूज़ बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर आप केस लड़ते हैं, हर चीज़ लड़ते हैं, तो आपका पर्सनल डिटेल्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ठीक है, सभी को डिटेल्स नहीं चाहिए। और यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी एक स्टूडेंट हमें कॉल करके बता रही थी सर ऐसे ऐसे बात है। तो देखिए आपको भी पता होना चाहिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, कहाँ पर कौन क्या जमा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। एक मिनट आप ये समझ लीजिए, जो अगर आप पेटिशनर हैं, अगर आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपका ही डिटेल्स चाहिए, अदरवाइज किसी का डिटेल्स नहीं चाहिए। और यहाँ पे अभी हो क्या रहा है हम आपको बता रहे हैं, समझे, जो सबसे जो है डिटेल्स मांगा जा रहा है, सबका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है, तो ये एक गलत है हर चीज़, इस सबसे आप लोग को बचना है, समझे, क्योंकि आप अपना डिटेल्स किसी और को नहीं दे सकते, अपना डॉक्यूमेंट किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि केस लड़ने के नाम पे या सुप्रीम कोर्ट जाने के नाम पे आप अपना डिटेल्स किसी और को नहीं दे सकते। दूसरी बात है, पहले हम आपको बता दिए हैं, जिसका केस पटना हाईकोर्ट में रजिस्टर नहीं हो पाया, वह सुप्रीम कोर्ट में क्या रजिस्टर हो पाया, और जो सुप्रीम कोर्ट में वही केस रजिस्टर हो पाएगा, जो पटना हाईकोर्ट में सिंगल बेंच और डबल बेंच का जो फैसला आ जाएगा, तो वही लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज अदर स्टूडेंट नहीं जा सकते। इसीलिए कोई भी अगर अपना जो है ओरिजिनल किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अपना डिटेल्स दे रहे हैं, तो ये सब से बचना है, सोच समझ के कहीं भी अपना, अदरवाइज आप जानिए, फिर हमें कॉल करेंगे तो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आप कॉल किए हर चीज़ की, इसलिए हम ये आपको एक इंडिकेट कर दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कहीं भी किसी को पर्सनल जो है अपने जानकारी मत दिया कीजिए, अपने जो है डिटेल्स मत दिया कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट किसी को मत दिया कीजिए, क्योंकि जो पेटिशनर है उन्हीं का लगता है, हमेशा याद रखिए, अगर केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, जो पेटिशनर है उन्हीं का डॉक्यूमेंट लगता है, हर चीज़ लगता है, न कि सभी लोग, ठीक है। और 32,000 स्टूडेंट है यहाँ पे टोटल, अगर जोड़ते हैं तो ऑल ओवर आपको 46,000 समथिंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर केस लड़ा जाए, हर चीज़ लड़ा जाए, तो 32,000 स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, या जो भी 8791 स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट है, उनका भी सभी का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए ये सब से आप लोग को बचना है, अदरवाइज आप लोग अपना मनमानी कर सकते हैं, फिर हमें दोबारा नहीं कहिएगा पप्पू सर आप इंडिकेट नहीं किए। चलिए ये हो गया गुड न्यूज़, हम बताते हैं ये बेड न्यूज़ था सभी स्टूडेंट के लिए, वो 32,000 एनएम स्टूडेंट हो या 8697 स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए, मतलब ऑल ओवर आपको 46,000 समथिंग जो स्टूडेंट है सभी के लिए बताएं, जो किसी को पर्सनल आप जो है डॉक्यूमेंट देने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है, और खासकर केस लड़ने के लिए, हर चीज़ लड़ने के लिए जो पेटिशनर है उन्हीं का जो है डॉक्यूमेंट लगता है, अदरवाइज किसी का डॉक्यूमेंट नहीं लगता हर चीज़, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान से समझिए, और पढ़े लिखे हैं आप जॉब करने के लिए चल रहे हैं, इस सब पे आप लोग थोड़ा थोड़ा बात पे आपको फोकस देना है, नहीं दीजिएगा फिर लाइफ में प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ होगा बाद में, तो फिर हम ये नहीं बताइएगा सर आप हमें इंडिकेट नहीं किए। अब चलिए गुड न्यूज़ बताते हैं, गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ दोस्तों यही है, जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग हम पहले भी बताए हैं और आज अभी भी बता रहे हैं, जो मंगल पांडे जी आज कहीं गए जनसभा करने के लिए, कहीं गए थे तो वहाँ पर बोले हैं, जो वहाँ के एएनएम बहन मंगल पांडे जी से मिले हैं, बातचीत किए हर चीज़ किए, तो मंगल पांडे जी बोले हैं जो एलपीए क्लियर होने के जस्ट बाद हम वैकेंसी क्लियर कर देंगे, और न्यू वैकेंसी एनएम के न्यू वैकेंसी बहुत जल्द हम दे रहे हैं, वो भी परमानेंट वैकेंसी। अब लीडर का कितना बात सच्चाई है नहीं है ये हम आपको नहीं बताएंगे, और अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, जो हमें एनएम वन के द्वारा कॉल किया गया सर ऐसे ऐसे आज है यहाँ पे मंगल पांडे जी आए हुए थे,
और मंगल पांडे जी से बातचीत हुई है, सभी ने बहुत बातचीत की है, बोले एलपीए क्लियर होने के बाद हम ये वैकेंसी क्लियर कर देंगे। दूसरी बात है जो न्यू वैकेंसी अभी परमानेंट एनएम के हम वैकेंसी अभी लेके दे रहे हैं, सभी सभी वैकेंसी अभी हम जारी कर रहे हैं, मतलब अभी से लेके आपको जून जुलाई तक सभी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये गुड न्यूज है समझे कि नहीं। और हम आपको ये भी बता दिए थे जो आज फिर से सुरजीत सर मोनी सर से मिलने के लिए गए थे तो वो हम आपको दिखा दिए थे, ऑफिस का तस्वीर है, हर चीज़ है, फिर बातचीत हुई है, हर चीज़ बातचीत के दौरान बस एक ही चीज़ निकल के आया है जो 9 अप्रैल को हम लोग को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट से हम लोग को पीछे नहीं हटना, सारे के सारे एविडेंस मौली सर और अभिनव श्रीवास्तव सर के पास पहुंच गया है, ठीक है, हम लोग के पास जो भी एविडेंस था सभी एविडेंस सर के पास पहुंच गया है, ये गुड न्यूज़ है समझे। मौली सर के लड़ने के लिए तैयार है हर चीज़, अभिनव श्रीवास्तव सर के लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और जो हम लोग को जो फाइनली जो काउंटर एफिडेविट जमा करना था हर चीज़ वो भी तैयार हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो अभी के दौर में जो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ आया वही हम आपके भी शेयर किए, इस टॉपिक पर नाइट में हम लोग लाइव आते हैं तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले। दूसरी बात, एक बात और है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लोग सोचते हैं एलपीए में 60% जो है नियमावली में बदलाव हो सकता है, वो गलत बता रहा है कोई, ठीक है, एक भी % बदलाव नहीं हो सकता है एलपीएम जब केस चल रहा है, हर चीज चल रहा है, वो तो हम पहले बता दिए हैं, जो लास्ट जिस दिन जो है डेट लास्ट होता है उसी में विभाग आयोग या सरकार उसमें जो है चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं चेंज कर सकते नियमावली में, सुप्रीम कोर्ट के भी हम आपको जजमेंट दिखा दिए हैं, ठीक है, और जो विदेशी आयोग के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, विदेशी आयोग के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी आपको दिखा दिए, जो फॉर्म के लास्ट जिस दिन डेट है ना ऑनलाइन का उसी डेट तक जो है आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही एलपीए में 60% जो है बिहार सरकार जो चेंज कर सकते हैं, आयोग चेंज कर सकते हैं, इसको लेके सोशल मीडिया पे अभी लोग जो है वो वायरल कर रहे हैं मैसेज को, हर चीज़ को, नोटिस को वायरल कर रहे हैं समझे, जो कि पुराना नोटिस है, आज का नोटिस नहीं है, 2023 का नोटिस है, जो पुराना नोटिस है लोग वायरल कर रहे हैं, उस सबसे आपको बचना है, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके भाई आपके साथ, ठीक है। तो बेड न्यूज और गुड न्यूज जो अभी विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के लिए रिगार्डिंग आया है वही हम आपके भी शेयर किए, आयोग के आप लोग समझ गए होंगे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और अपने भाई के टारगेट को अचीव कीजिए, क्योंकि अपने भाई के टारगेट को अचीव नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 10 बजे लाइव आएंगे नाइट में तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और टारगेट को सबसे पहले अपने भाई के टारगेट को अचीव कीजिए। थैंक यू।